नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो भाई एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों का बहुत जबरदस्त प्रेशर था घुमा के लाओ, तो भाई निकल चुके हैं घूमने के लिए, लेकिन कहाँ जा रहे हैं अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन निकल चुके हैं। और अभी जो हम खड़े हैं वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर खड़े हैं, और भाई लो रिवील हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं इनकी नानी के घर। तो भाई रिवील हो चुका है कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और अभी खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रेस्ट रूम सर्विस एरिया पर, और सारे इधर मल्टी चेन रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भाई कुछ खाना खाने। और टाइम हो गया है 12:40 भाई, 12:40 हो चुका है। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, एसी भी नहीं काम कर रहा है भाई। तो टेम्परेचर दिखाता हूँ अभी, गाड़ी का जो टेम्परेचर दिखा रहा है मेरे को 43 का दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। देखो गाड़ी का जो टेम्परेचर दिखा रहा है भाई 43 दिखा रहा है, 43, और टाइम हो गया है 12:45। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, ये सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, इस तरफ चले जाएंगे तो मेरठ और इधर दिल्ली के लिए। तो चलिए नीचे उतरते हैं और सीधे लेके चलते हैं आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर, जहाँ सारे खाने पीने के आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों इधर मिल जाएगा आपको बच्चों को खेलने का एरिया, गर्मी बहुत है लेकिन भाई अभी ये चलेंगे नहीं, अभी रात में चलेंगे। और इधर भाई डोमिनोज है, स्टारबक्स, KFC, हल्दीराम, और इधर ये फूड कोर्ट आ गया, और उधर मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई ये एक्सप्रेस वे है, और इस तरफ वॉशरूम आ गए, और रीबॉक वगैरह ओपनिंग सून है, स्केचर्स हैं, पूमा है, और भाई हम आ गए फूड कोर्ट एरिया में, ये सामने फूड कोर्ट एरिया है। चलो खुल जा सिम, ये आ गए भाई फूड कोर्ट एरिया में, सामने जा रहे हैं हल्दीराम। दोस्तों ओवरऑल एम्बियंस की बात करूँ ना, हल्दीराम भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, क्योंकि वो सामने उधर किचन आ जाती है, और इधर एम्बियंस वो कितना बढ़िया एम्बियंस बनाया हुआ है। ये नीचे कर रखे हैं अभी ताकि धूप ना आए, रोशनी कम आए, हीट ना आए। और भाई खाना हो चुका है, खाना खा रहे हैं सामने बैठ के। ये नीचे कबर्ड बनाई हुई है, वो हैंड ड्राई करने का है, जो आपने अभी हैंड धोए यहाँ पे वहाँ पे हैंड ड्राई हो जाते हैं करने। ये देखो आपके हैंड नहीं जाएंगे वहाँ तक, चलें हाँ हैंकी से क्लीन कर लेना। चलो को हल्दीराम में लिफ्ट मिल जाएगी, प्रेस करो डाउन, नहीं लिफ्ट भी, लिफ्ट से चलेंगे ना हम, लिफ्ट दिखाएंगे। 1 पे आ गई। तो आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना मैं इसमें दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, एक्सप्रेस वे पे आपको दोनों तरफ पेट्रोल पंप मिल जाएगा, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के साथ ही भाई जो CNG यूज़ करते हैं दोस्त, उन लोगों के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का ये IGL का गैस स्टेशन भी है यहाँ पे, तो ये फुल्ली ऑपरेशनल है, यहाँ पे आपको CNG भी मिल जाएगी। देखो इन लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है, रॉन्ग साइड आ रहा है भाई ये आदमी। तो दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं एक्सप्रेस वे पर, खाना कैसा रहा, खाने में क्या क्या ऑर्डर किया था बताओ? और मुझे भाई छोले भटूरे अच्छे लगे थे। आपको क्या अच्छा लगा? राजमा चावल और छोले भटूरे भी अच्छे लगे आपको? तो भाई हल्दीराम का खाना था, जितने भी हल्दीराम के आउटलेट्स होंगे सब में सेम ही टेस्ट आएगा और टेस्ट वाइज ठीक था। छोले चावल थोड़े एवरेज थे, छोले चावल जो कॉम्बो लिया गया था ना वो थोड़ा एवरेज था, बाकी राजमा चावल तो भाई टॉप ऑन टॉप था। छोले भटूरे तो हल्दीराम के फेमस है ही। छोले भटूरे और राजमा चावल मक्के में दिए। हाँ
छोले चावल और राजमा चावल छोटे से पॉट में दिए थे, क्ले पॉट जो होता है ना, वो लेके जा रहे हैं। हम वापस ले आए उस क्ले पॉट को। हमने उनसे पूछा था बाकायदा, हम इनको ले जा सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ आप ले जा सकते हो। तो हम क्ले पॉट उनके वापस ले आए, हम क्ले पॉट लेके आ गए। दोस्तों आप एक्सप्रेसवे पर जाते हो तो भाई ये स्पीड आपको बता देते हैं, आगे जो स्पीड मेंशन करी आ रही है 70 to 70 अभी ये चल रही है। तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सामने देखो नजर आ रही होगी आपको, ट्रक्स और बसेस के लिए 80 और कार्स के लिए 100 है। और भाई इमरजेंसी में एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, 1033, ये आप याद रखिएगा नंबर, कभी भी कहीं भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे फंसते हैं तो ये नंबर आप डायल करिए, अपनी परेशानी बताइए, उसके बाद आप समस्या का समाधान किया जाएगा। और भाई लेन बता देता हूँ मैं आपको जाने के लिए, देख लीजिए 1 2 3 लेन है। अब ये देखिए यहाँ पे ना टू व्हीलर्स अलाउ नहीं है भाई, लेकिन लोग बाग लेके आते हैं तो अपने रिस्क पे लेके आते हैं, और अगर पकड़ा गया इन लोगों को तो भाई 20,000 रुपीज का चलान है इनका। दोस्तों सामने आ गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, जो मैंने अभी जर्नी स्टार्ट करी थी इस जो मेरठ एक्सप्रेसवे पे मैं आया था वो इंदिरापुरम से मैं चढ़ा था, और इंदिरापुरम से और यहाँ तक का जो टोल लगता है वो 110 रुपये का लगता है, 110 रुपये मेरे लग जाएंगे। दोस्तों हमने वीडियो तो स्टार्ट कर ली लेकिन आपको बताया ही नहीं कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बच्चों के नानी के घर बिजनौर। और भाई बिजनौर हम जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, उसके बाद हम लेंगे खतौली, खतौली के बाद हो सकता है जानसठ वाला रास्ता लें या मीरापुर वाला रास्ता रहे। जानसठ वाला रास्ता भी दोस्तों बन चुका है, वो भी आपको मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में दिखाने की। पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था वो मीरापुर वाला रास्ता दिखाया था, बार हम दिखाएंगे जानसठ वाला रास्ता। ये जानसठ वाला रास्ता वो है, अगर आपको बिजनौर से मुजफ्फरनगर जाना है तो वो हाईवे बन चुका है भाई, 4 लेन का हाईवे है, नया नया बना है, आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। दोस्तों अभी हमने मेरठ एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है, अब हम आ गए हैं हरिद्वार वाले हाईवे पे NH 58 पर, और जो NH 58 पे जो हम रहेंगे वो रहेंगे खतौली तिराहे तक, जहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से हमको राइट टर्न लेना पड़ता है यानी चीतल ग्रैंड तक, तो वहाँ तक हम इस हाईवे पर रहेंगे। और ये जो हाईवे है ना भाई बहुत खतरनाक हाईवे है, ठीक है, बीच बीच में बहुत सारे कट दे रखे हैं, तो भाई इधर जो है अपनी गाड़ी ना भाई आँख कान नाक खोल के चलाना, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं, बीच में से कट से भी लोग बाग आ जाते हैं, टू व्हीलर वाले एक्टिवा वाले कोई भी आ जाएगा भाई, इवन गाड़ी वाले भी आ जाते हैं। तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट मैंने देखे हैं ना इसी हाईवे पे देखे हैं, बहुत ही केयरफुल होके इधर गाड़ी चलाइएगा। तो भाई ये है NH 58, अब देख रहे हो इधर ट्रैफिक देखिए कितना हैवी ट्रैफिक है, और बाइक वगैरह सब अलाउ है यहाँ पे, और इस हाईवे पे बीच में इतने कट दे रखे हैं भाई कहीं से भी घुस जाते हैं लोग। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये है सुभारती मेडिकल कॉलेज है भाई, यूनिवर्सिटी है आज की डेट में तो इसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी के जस्ट आगे आ जाता है भाई ये मार्स रिजॉर्ट, ठीक है। अब मार्स रिजॉर्ट में क्या आपके लिए फायदेमंद है, यहाँ पे सारे मल्टी चेन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, हल्दीराम, सागर रत्ना, बरिस्ता वगैरह सब है, जैन शिकंजी भी है, ठीक है, और इधर मैकडी का ड्राइव थ्रू भी है, मतलब आप मैकडी भी जा सकते हो और गाड़ी में बैठे बैठे अपना ऑर्डर करो, खाओ पियो और आगे को निकल जाओ। दोस्तों अभी भी हम NH 58 पर ही चल रहे हैं, अगर आपको बिजनौर जाना है ना, बिजनौर के आगे अगर कोटद्वार जाना है तो भाई इस वाले कट से भी जा सकते हो, आगे जो राइट कट आ रहा है, पर इसमें आपको अंदर मेरठ में से जाना पड़ेगा, और मेरठ में इस टाइम पे भाई बहुत बिजी रहता है, काम भी चल रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं और रैपिड रेल का भी अंदर इधर काम चल रहा है, तो फ़ायदा इसी में ही है, अभी NH 58 पर ही कंटिन्यू करें और
आगे जो रिजॉर्ट आएगा शीतल ग्रैंड रिजॉर्ट, वहां से सामने हम राइट टर्न लेंगे और वहां से बिजनौर जाएंगे। वो रूट जो है वो रूट थोड़ा खुला मिलता है। अभी मेरे राइट हैंड साइड में देखिए, ये जो है ना, ये रैपिड रेल का यहाँ पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी मेरठ तक ऑपरेशनल होने वाली है ये। और इस जगह का नाम है भाई पल्लवपुरम। और जस्ट मोदीपुरम क्रॉस करते ही आपको एक नेक्स्ट टोल आ जाएगा भाई, जो शिवाय टोल प्लाजा है, वहां पे 110 रुपए लगते हैं। दोस्तों आ चुके हैं दूसरे टोल प्लाजा पे और यहाँ पे लगता है भाई 110 रुपए का टोल। और 24 आवर्स में अगर आप वापस आ जाते हैं तो भाई कितने का लगता है अभी बताता हूँ मैं देख के। और ये देखो, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था भाई इस हाईवे पे ना थोड़ा संभल के गाड़ी चलाएं अपनी, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी लोग बाग आ जाते हैं और फिर वो गड़बड़ हो जाती है।